नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 38x37 के हाउस प्लान की। इसमें हमने 3 BHK प्लान किया है, जिसमें से दो तो हमारे बेडरूम है, ठीक है, उसके अलावा एक हमारा गेस्ट बेडरूम है। इस तरह से हमने इसको 3 BHK प्लान किया है। इसमें आपको फ्रेंड्स एक कार पार्किंग मिल जाती है और साथ ही साथ फ्रंट में आपको एक गार्डन भी मिल जाता है। तो आइए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम चलते हैं हमारे प्लान की तरफ और देखते हैं कि इसको किस तरह से इस घर को हमने डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों ये हमारा आज का 38x37 का हाउस प्लान, जिसके बारे में मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इस प्लान में हमारे पास में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमको दो गेट मिल जाते हैं। एक हमारा नॉर्मल गेट हो जाता है जिससे आप सिंगल एंट्री कर सकते हैं, दूसरा हमारा कार पार्किंग के लिए गेट हो जाता है। गेट से जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमको एक पार्किंग एरिया मिलता है। पार्किंग एरिया का साइज़ हमने रखा है 10x14x4 इंच। साथ ही साथ एंट्री करने के बाद यहाँ पे हमको एक छोटा सा लॉन मिल जाता है। लॉन का साइज़ है हमारा 11x4x4x5 इंच। अब दोस्तों लॉन से जैसे ही हम अंदर एंट्री करें तो देखिए घर के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमको सबसे पहले एक हॉल मिलेगा। हॉल का साइज़ है हमारा 14x4x16x10 इंच। हॉल के पास में ही यहाँ पे हमारा वास्तु के अनुसार साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन हो जाता है। किचन का साइज़ है हमारा 11x7x5 इंच। एक बड़े ही अच्छे साइज़ का किचन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद में दोस्तों इस तरफ आता है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम का साइज़ है हमारा 11x9x। फिर दोस्तों गेस्ट रूम के बाद आगे बढ़े तो गेस्ट रूम के सामने ही हमको इस एरिया में सीढ़ियाँ मिल जाती है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की जो चौड़ाई जो हमने रखी है वो रखी है दोस्तों हमने 6 फिट, यानी कि 3 फिट इस तरफ 3 फिट इस तरफ। फिर दोस्तों थोड़ा और हम पीछे चलें तो यहाँ पे हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। मास्टर बेडरूम का साइज़ है हमारा 11x6x10 फिट। ये इस बेडरूम वाले एरिया का साइज़ है, ठीक है ना। टॉयलेट का साइज़ अलग से है और टॉयलेट का जो साइज़ है हमारा इसके साथ जो अटैच टॉयलेट है उसका 6x7 फिट। फिर दोस्तों बात करते हैं इस बेडरूम की। सेकेंड बेडरूम है हमारा, इसका साइज़ है हमारा 12x10 फिट और इसके साथ में दोस्तों ये हमारा अटैच टॉयलेट हो जाता है, ठीक है। ये वाला हमारा अटैच टॉयलेट हो जाता है। इसका डोर सॉरी इस तरफ से रहेगा, इस तरह से कुछ इसका डोर रहेगा, यहाँ से जाएंगे। इसके बाद अटैच टॉयलेट का जो साइज़ है हमारा वो है हमारा 6x6 फिट। इस घर में दोस्तों हमने पीछे की तरफ ये पूरा गैलरी छोड़ी है क्लाइंट की, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि उनको पीछे की तरफ खाली स्पेस चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्लान किया है हमारा 38x37 का हाउस प्लान। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी आपको प्लान कैसा लगा है मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर प्लान पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप भी अपने घर की हाउस प्लानिंग और डिज़ाइनिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी पूरे इंडिया में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हैव ए गुड डे।